तो स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों ये वाला वीडियो भी होली से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जब आप होली में वो जो छोटे छोटे बलून्स खरीदते हैं जिसमें आप लोग कलर और पानी को भर कर किसी के ऊपर फेंकते हैं, तो दोस्तों उस बलून में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसके कारण से आप उसमें पानी को अच्छी तरह से भर नहीं पाते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उसमें पानी को भरना। तो दोस्तों उसी के लिए आज मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक टूल बनाया जिससे आप बड़ी आसानी से उस बलून में पानी और कलर को आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा छोटा सा है, तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर राजमोदर23 करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलेगा इस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह के एक प्लास्टिक के बोतल को ले लेंगे। तो आपको इस तरह के छोटे बोतल को लेना है तब अच्छी तरह से आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके ढक्कन को खोल लेते हैं और इसके ढक्कन में हम लोग एक छोटा सा होल बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं कैंची की मदद से कुछ इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा होल बना लेता हूँ। तो मैंने इस ढक्कन में कुछ इस तरह से एक छोटा सा होल बना लिया है। तो अब हम लोग लेंगे कुछ इस तरह के एक छोटे वाले सिरिंज को, और इसके आगे में जो ये कैप लगा रहता है हम लोग इस कैप को लेंगे और इसके आगे वाला पार्ट को हम लोग काट के इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके दोनों तरफ से होल हो चुका है। तो अब हम लोग लेंगे अपने ढक्कन को और इस वाले पार्ट को हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर रख के चिपका देंगे। तो इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसमें फेविक्विक का अच्छी तरह से लगा दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और इससे पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, बस हम लोग को इतना ही करना था। हम लोग का जो है वाटर फिलर है ये बन चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और किस तरह से इसमें आपको पानी को भरना है बलून में। तो चलिए मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इस बॉटल के ढक्कन को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसमें सबसे पहले हम लोग पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद हम लोग इसमें कलर डालेंगे, उसके बाद हम लोग इससे बलून को फुला कर भी देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से ये अच्छी तरह से बलून में पानी को भरता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसमें कलर और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम लोग लेते हैं अपने बलून्स को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे बलून्स है। तो सबसे पहले हम लोग एक बलून में पानी को भरेंगे। तो यहाँ पर इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके आगे वाले मुँह में कुछ इस तरह से घुसा देना है। इस तरह से लगाने के बाद अब आप लोग को सिंपल से इसको प्रेस करना है, बस एक बार में ही आपका पूरा का पूरा जो बलून रहता है वो फुल साइज में भर जाएगा। और जैसे आप इसको निकालेंगे तो इसमें अपने आप दोबारा से हवा भर जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल एक बार में इसमें हवा भर। इतने सारे बलून्स को बहुत ही आसानी से भर लिया इसमें। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा वीडियो था। तो दोस्तों ये वाला आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।